stop filming me. Oh, okay. Now, babe. मैं बता रहा हूँ तुमको ऑटो सो गाइस वी आर एट हरी पर्वत फोर्ट. वो पीछे एक फोर्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे सर्द पत्तों पे कुछ लिखा होगा और लोकेश बारिश में नहाती हुई. लोकेश को कहना चाहेंगे आप लोकेशन के बारे में? Hopefully के आपको हम सारा अपडेट देते रहें और keep loving. Bye and सही take बताओ, care. सही बताओ. keep loving guys. Loving. keep loving. तुम्हारे smile ना हो. तुम अपना फिर से बोलो. Keep loving. Kitna loving. बारिश हो रही है और हम लोग गीले हो चुके हैं और हमारी लोकेश पिघल रही है. उसका आधा किलो का वजन कम हो गया है. लोकेश एक महीने से नहाई नहीं थी गाइस, मैं बता दूं. यहाँ पे आके एक महीने से नहाई नहीं थी और मैंने उसको बोला कि लोकेश बोलिए भी यहाँ पे कश्मीर ही आना है, वहाँ पे ठंड बहुत है तो और यहीं पे नहाऊंगी. हाँ यहीं पे नहाऊंगी मैं, ताकि थोड़ा सा मैल जमा रहे तो ठंड कम लगे. लोग फैट की लेयर जमाते हैं, मैल की लेयर जमा रही थी. गाइस ओह वाह क्या सीन है. Wow, it's really, really beautiful. Wow, it's really, really so sexy, so beautiful. Okay. लोकेश कुछ कहना चाहोगी? See guys, this is really really beautiful as you can see. लोकेश कह रही थी यहाँ से कूदना है गाइस, तो क्या आप क्या कहेंगे? कूद जाए. यार मुझे यहाँ से कूदना है, प्लीज आप बचाने आ जाना. देखो बचाने कौन आएगा, क्योंकि देखो ये तो मुझे बचाने नहीं आएंगे क्योंकि मैं धक्का यही देंगे. मैं धक्का देने वाला हूँ लोकेश को. मैं यहाँ से बिल्कुल सोच रहा हूँ कि एक वजन कम होगा, बोझ कम होगा धरती से. 100 किलो का गाइस, ये 100 किलो की लड़की देख लो, लोकेश को 100 किलो की है ये वेट इसका और 100 किलो कम हो जाएगा. और ये मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और मुझे 100 से 47 रुपए देंगे. 47 एक दिन में इसका 100 किलो तो वजन कम करूंगा. इस वी आर इन कश्मीर और मैं लोकेश के साथ हूँ और हम फ्री टाइम में सड़क पे घूम रहे थे तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया. हाँ आइडिया नहीं, डेयर आया और मैं अभी इससे वो कराने वाली हूँ कि आप सोच नहीं सकते. भगवान वहाँ पर देखो, सामने में देखो, उधर करो कैमरा. सोनू एक शॉप है, पंजाब सोनू करकर एक शॉप है. मैंने बोला है इन्हें कि वहाँ पे जाना है और कोई बुढ़े अंकल को ना बहुत बुढ़े अंकल ना बुढ़े अंकल होंगे ना, मैं यंग से करा रही, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा. तो कोई बुढ़े अंकल है ना, उनके फेस पे जाके किस करना और बोलना वाओ अमेजिंग. बेटा तू सोच ही रही है, मजा आ गया. मैंने ऐसे ऐसे डेट दे देना फिर मजा आ गया और मुझे ऐसा लगा वाओ, जैसे कोई एक लड़की को ये नहीं किस की बात है, किस कर ये तो ये कोई बात नहीं है कि वाओ अमेजिंग, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा. नहीं तो तेरे को सोचा मैं क्या क्या डेट दूंगा, करना पड़ेगा फिर. नहीं हां मैं कर दूंगा, कोई पता नहीं किस किस
करवाऊंगा। ये तो चीटिंग है ना, देखो। चलो ठीक है, वो बात की बात है, अभी ये घर आते हैं ना। हे गाइस, सो ये टास्क दिया है, डेयर है, अब देखते हैं अप्रीत कैसे करता है। ओह माय गॉड, लकी गाय, मैं बहुत लकी गाइस, तो मेरा डेयर हो गया कंप्लीट। अरे वहां पर जाकर देखो, वहां पर देखो कोई। ओके, भगवान जी की फोटो। ओह, जो मिले मुझे, इसको कहते हैं किस्मत। मेरी किस्मत और साथ नहीं थी, अब बारी इस लोकेश की डेयर की। मैं लोकेश को डेयर दूंगा। No. दुकान पूरी खाली है, उसने कहा था जो भी अंदर मिलेगा वो उसको किस करना। तो ये मुझे यही मिले, और मैंने कर दिया है, तो डेयर को दिखा दो। हाँ, ये है, तो अब मैं सोच रहा हूँ लोकेश को कहाँ फंसाऊं, इसकी बैंड कहाँ बजाऊं। लोकेश, तुमको अभी क्या करना है? मैं बता रहा हूँ तुमको, ऑटो वाले को किस करना है। नो, 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 इसको मैं ऑटो वाले से किस कराऊंगा। अब ऑटो वाला ढूंढूंगा। चलो यार, ये तो ये तुम लोकेश, जो ऑटो आएगा, ऑटो वाला आ रहा है, उसको तुम्हें अगर खाली हुआ तो रुकोगी और उनको बोलोगी भैया, उनको बोलना है तुम्हें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे होटल छोड़ दो और उसके बदले मेरे से किस ले लो। तुम्हें पटाना है उसको, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मस्त ये बनने वाला है। ये डेयर बहुत ही मस्त होने वाली है। मैं आ जाएगा तो बैंड बजाएगा, लोग सड़क पे रिक्शे वाले को बोल किस कर रही है। Guys, I have money, है, but ये task दिया देने में उस पैसा है, मैं जा सकती हूँ, गाड़ी भी खड़ी है हमारी। हम ऑटो वाला देखते हैं, ये आ गया है। मेरे को ना अपने होटल जाना है और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप हमें छोड़ोगे? बट अभी राइट नाउ आई डोंट हैव मनी, मेरे को पैसे नहीं, पर हाँ मैं तुम्हें, मैं ना अपने पैसे की बजाय आपके केस करना था, ऐसा तुम्हें पटा। नहीं, ये चीटिंग है। तुम्हें केस करना था, तुम्हें चांस ये था कि केस करना है, तो वही तो पटाना था तुमको। तुमको पटाना, वही तो पटाना था कि तुम्हें किस उस इस कार में डालना है। सुनो सुनो सुनो, पता ये रखना था, अगर वो नहीं माना, वो मान गया नहीं ढूंढना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे यार कश्मीर है, कश्मीर में किस बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तभी तो वही तो पटाना है तुम्हें, यही तो डेयर है लोकेश, तुम्हें यही तो डेयर पूरा करना है यार। कश्मीर में वो बेचारा तेरे छोड़ो, तुम्हें पता कश्मीर का क्या है। चलो ये गोरे अंकल को कर लो, अच्छे भी दिख रहे हैं। अरे यार नहीं यार, मैं यहाँ पे जेल मिलते यहाँ पे, पता चला लोकेश जेल जा रही है, क्या ऑटो आना है उसको, उसमें से पटाना है। नहीं, ऐसे करना है कि तुम्हें फ्री में जाना है। नहीं, वो तो छोड़ देंगे, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। भैया ऑटो, तुम्हें इसको पटाना है, अभिनेत्री खड़ू सर ढंग से लगाओ। वही तो पढ़ाना था तुम्हें, किस होगी यार। यहाँ पर बहुत सभ्यता वाले लोग रहते हैं, हाउस के पुजारी नहीं है, हाउस के पुजारी। अच्छा, चाय वाले तो चाय लेके आ जाओ, चाय वाले तो चाय लेके आ जाओ, वो चाय की दुकान है, उस चाय वाले को बोला मैं चाय दे दूँ, किस लूंगी। मैं सारे टास्क कर दूंगी, किस आ जाओ तुम।
यू आर लकी गाइस, तुम्हारे तुमने तो तैयार ही किया, तुम बोले मेरे पास पैसे, हाँ मतलब मेरा ना एटीएम में चलता है, पैसे भी नहीं है, मेरे को फ्री में चाय मिलेगी, ऐसा कुछ दे दो ना। अच्छा चाय तो कोई भी दे देगा, तुम इधर करो, इधर फेस करो, मैं किस करूं, वो होटल वाले से मैं किस करूं।